के पौधे को ऐसी जगह ना रख देना जहाँ आप झाड़ू रख रहे हों, जहाँ पे आपके चप्पल जूते उतरे हों, वहाँ भूल के भी नहीं रखना, क्योंकि आप इसकी पूजा करते हैं, सुबह शाम पूजा करते हैं, दीपक जलाते हैं, स्नान कराते हैं, तो ऐसी जगह आप तुलसी के पौधे को नहीं रखना। तो आज मेरा टॉपिक है कि तुलसी के पौधे को कौन से गमले में लगाना चाहिए, तो इसी के बारे में है। तो आप लोग वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और हाँ, एक बात और है कि तुलसी के पौधे को बहुत अच्छा अच्छा घना और बड़ी बड़ी पत्तियाँ निकले, तो इसमें से क्या डाल देना है, तो ये भी जानकारी है, तो आप लोग वीडियो को देख लीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अपने घर में तुलसी का पौधा बहुत लगाइए। अपने इतने सारे पौधे अगर आपने गार्डन में लगाए हैं तो तुलसी का पौधा ज़रूर लगाइए। इसमें से जो भी नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं, वो नेगेटिव जो हमारे घर के अंदर प्रवेश नहीं होती, अगर हम अपने तुलसी के पौधे को अपने घर में लगाते हैं, इसमें से शुद्ध वातावरण रहता है हमारा। तुलसी के पौधे को लगाते हैं, बहुत सारी बीमारियों का रामबाड़ इलाज भी है, तो हमें तुलसी के पौधे को घर में ज़रूर लगाएँ। एंड वेलकम टू हमके गार्डन। तो आप सब कैसे हैं? अच्छी हूँ, ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। आ गई हूँ नई वीडियो लेकर के आप लोगों के साथ। तो आप लोग देख सकते हैं गर्मी तो भयंकर ही है फ्रेंड। तो आज हमारे यहाँ थोड़ी सी बादल, धूप भी निकल रही है लेकिन हल्की हल्की निकल रही है, और कल थोड़ी सी हो गई थी बारिश, हल्का रिमझिम ऐसे ही आंधी तूफान और बारिश थोड़ी सी हुई थी। और तो मैं आप आ गई हूँ आज तुलसी प्लांट के बारे में वीडियो लेकर के, कि तुलसी के पौधे को हमें कौन से गमले में लगा देना चाहिए ताकि वो हमेशा हरा भरा रहे, चाहे गर्मी हो, बरसात हो, कोई भी मौसम हो, ख़राब ना हो। तो चलिए आज इसी के बारे में वीडियो है, आप लोग देखिएगा ज़रूर। और हमारी तुलसी हमेशा घनी और हरी भरी बनी रहे तो क्या रीज़न है, हमें क्या डालना चाहिए? वैसे तो वास्तु धर्म में तुलसी का पौधा, हिंदू धर्म में तुलसी का पौधा घर में लगाना बहुत शुभ माना जाता है, आप लोग सभी जानते हैं। आप देख सकते हैं मेरा छोटा सा ये प्लांट कितना अच्छे से ग्रो हो रहा है, और कितनी अच्छी सी इसकी पत्तियाँ देखिए, कितनी बड़ी। थोड़ी सी जब मैंने पहली बार वीडियो डाली थी तो इसकी पत्तियाँ छोटी थी और मुड़ी मुड़ी थी, लेकिन आज आप इसकी पत्तियाँ देखिए कितनी बड़ी और कितनी बड़ी साइज़ की हो रही हैं, ये देख लीजिए आप। अब जैसे जैसे ही मैं इसमें से फर्टिलाइज़र वगैरह डालने लगी थी तो ये मेरा तुलसी का पौधा बहुत अच्छे से तैयार हो गया था ग्रोथ के लिए, बहुत अच्छी अच्छी पत्तियाँ निकालने लगा था। आप लोगों को मैं दिखा दूँ, देख सकते हैं ये मेरा तुलसी का पौधा रहा। और मैं सबसे पहले आप लोगों को जिस चीज़ में बताने वाली हूँ उसी चीज़ के बारे में बात करेंगे हम, कि हम तुलसी के पौधे में बहुत सारे सवाल ऐसे आ जाते हैं कि तुलसी के पौधे को कौन से गमले में लगाएं, कौन से गमले में तुलसी का पौधा मतलब हरा भरा रहेगा। वैसे तो आप चाहो किसी भी बर्तन में तुलसी का पौधा लगा सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। आप इसके बीज से आप इसको ग्रो कर सकते हैं। देखिए इसके बीज निकलने लगे हैं यहाँ पर, ये देखिए इसके चार प्लांट यहाँ पे निकले हैं, ये देख सकते हैं चार यहाँ पे निकल रहा है, एक छोटा सा बेबी यहाँ पे निकल रहा है और छोटे छोटे बेबी यहाँ से निकल रहे हैं। तो इसमें बीज गिर गए हैं और मैंने इसमें बोया नहीं है, बीज इसमें गिर गए इसी गमले में और इसी में ये अपने आप से ग्रो होने लगे हैं। तो तुलसी का पौधा के बीज जहाँ भी गिर जाते हैं वहाँ अपने आप से वहीं पर ग्रो हो जाता है, इस बात को तो आप ध्यान दे लीजिए कि वहीं पर ये ग्रो हो जाता है। तुलसी के पौधे में जैसे ही ये देखिए फ्लावरिंग के लिए ये निकले बालियाँ, मंजरी जिसको बोलते हैं, तो ये मंजरी आप हटा दीजिए। अगर आपको बीज नहीं बनाना है तो आप ये मंजरी हटा दीजिए। इससे ये होता है कि आपका तुलसी का पौधा हमेशा चलेगा और हरा भरा रहेगा। अगर मंजरी तुलसी का पौधा बना रहा है तो फिर सोच लीजिए कि मंजरी बन जाएगी तो इसमें बीज बनेंगे तो तुलसी का पौधा आप लोगों का जल्दी ख़राब होगा, इसलिए इसमें से मंजरी नहीं बनने देना। देख लीजिए मेरे किसी भी डाली में, पौधे में मंजरी नहीं बनी हुई है, मेरा पौधा उसी तरह है, आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए मेरा इतना पौधा है, पूरी गर्मी मेरा तुलसी का पौधा हरा भरा रहा, लहलहा रहा था। तो आज मैं बता दूं कि तुलसी के पौधे को कौन से गमले में लगा देना है। तो तुलसी के पौधे को सबसे पहले तो आप कोई भी गमला ले लीजिए, अगर प्लास्टिक का गमला है उसमें भी तुलसी का पौधा बहुत अच्छे से हो जाता है, लेकिन हाँ प्लास्टिक के गमले में तुलसी का पौधा गर्मियों में सूख जाता है, इस बात का ज़रूर ध्यान देना। ठंडी बरसात में तो बहुत अच्छे चल जाएगा, लेकिन जैसे ही गर्मी हनके जोर से पड़ेगी तो तुलसी का पौधा गर्मियों में सूख जाएगा, क्योंकि जैसे ही प्लास्टिक का पॉट गर्म हो जाता है, फिर मिट्टी गर्म हो जाती है, फिर तुलसी के पौधे की जड़ें ख़राब हो जाती है, इससे पौधा पूरा ख़राब हो जाता है। तो हमें या तो फिर सीमेंट के गमले में लगा देना चाहिए और या फिर मिट्टी का गमला सबसे बेस्ट होता है इसके लिए, मिट्टी का गमला सबसे बेस्ट होता है। तो मैंने तो ये सीमेंट के गमले में अपनी तुलसी के पौधे को लगा रखा है, देख लीजिए इसमें काफ़ी सारी मिट्टी आई हुई है,
और जितनी ज़्यादा इसमें मिट्टी रहेगी उतना ही आपका पौधा हरा भरा रहेगा। और केयर भी आप लोगों को बहुत ज़रूरी है, ना कोई कीड़े लगे हैं, सब लोग तुलसी के पौधे में काले कीड़े से परेशान हो जाते हैं, ना मेरे पौधे में कोई काले कीड़े लगे हैं, ना कोई चींटियाँ लगी हैं, आप लोग देख सकते हैं एकदम से स्वस्थ है। तुलसी के पौधे में आप छिड़काव कर सकते हैं, तो आप लोग पानी में नीम की पत्तियाँ को घोल करके आप इसमें छिड़काव कर दीजिए अगर कीड़े लग रहे हैं। थोड़ी सी चूल्हे की राख, जो लकड़ी की राख, कंडे की राख आप बनाते हैं, खाना नहीं बनाते तो कहीं से भी आप लोगों को मिल जाएगी, आप उसका छिड़काव कर दीजिए, इससे काले कीड़े भी नष्ट हो जाएंगे और आप लोगों का तुलसी का पौधा हरा भरा रहेगा। और इसमें ज़्यादा पत्तियाँ ज़्यादा घन बनाने के लिए आप लोगों को बस एक ही चीज़ डालनी है, इससे आपका तुलसी का पौधा हरा भरा बना रहेगा। तो इसमें से आप लोगों को क्या डालना है मैं आप लोगों को बता दूँ कि इसमें से थोड़ी सी, सिर्फ थोड़ी सी ही आप लोगों को चाय पत्ती डाल देनी है। चाय पत्ती से जो भी पत्ती वाले पौधे होते हैं वो हरे भरे हमेशा ग्रो करते हैं, क्योंकि बहुत सारी पत्तियां निकालते हैं। तो आप लोगों को चाय पत्ती का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा कर देना है अपने पौधे में, 8 दिन में 5 दिन में 10 दिन में 15 दिन में तुलसी के पौधे में, या मनी प्लांट हो, कोई भी पौधा हो, अगर आप गुड़ाई करके चाय पत्ती डालते हैं, देखिए मेरे गमले में चाय पत्ती भरी पड़ी है, तो अगर आप चाय पत्ती डालते हैं तो आपका पौधा भी हरा भरा रहेगा, ग्रो करता रहेगा। तो आप लोग चाय पत्ती का इस्तेमाल ज़रूर करिए और अपना पौधे को हेल्दी और स्वस्थ बनाइए। तुलसी के पौधा की पत्तियाँ बहुत ही काम में लगती हैं, आप लोग जानते हैं खांसी जुकाम हर चीज़ में लगती हैं, चाय बनाते हैं आप डालते हैं, बहुत सारी दवाइयों में इसका रस जो निचोड़ करके डाला जाता है बहुत ही काम, बहुत सारी दवाइयों में ये तुलसी का पौधा लगता है। तो आप लोग तुलसी के पौधा को अपने घर में उगाइए, मार्केट में मत दौड़िए कि हम वहीं से ले लेंगे बना हुआ लिक्विड, नहीं, आप खुद अपने गार्डन में उगा लीजिए तुलसी का पौधा और स्वस्थ एकदम हरी पत्तियाँ इससे फिनस तोड़िए। और एक चीज़ को ध्यान दे लीजिए कि तुलसी के पौधे को तो हम पूजा करते ही हैं, तो हम सुबह शाम घी का दीपक जलाते हैं, इसको स्नान कराते हैं, तो एक चीज़ को ध्यान दे लीजिए कि तुलसी के पौधे में अगल बगल अगर कहीं आपके आंगन में लगा है, अब भूल से भी इसके पास चप्पल मत उतार दीजिएगा, क्योंकि किसी भी पौधे के पास हमें पैर तो मारना ना चाहिए, अगर हम पैर धोखे से लग भी जाता है तो हमें उसको पैर छू लेना चाहिए। तो तुलसी के पौधे को हमें ऐसी जगह नहीं रखना जहाँ पर झाड़ू रखा हो, जहाँ पर हमारे जूते चप्पल रखे रहते हैं, ऐसी जगह में ध्यान दे लीजिए तुलसी के पौधे को नहीं रखना है, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मैंने आप लोगों को बता दिया है कि आप लोग तुलसी के पौधे को कोई भी गमले में लगा सकते हैं, इसमें कोई वर्जित नहीं है, लेकिन मिट्टी का गमला इसके लिए बेस्ट होता है, मिट्टी का गमला इसके लिए परफेक्ट होता है, क्योंकि मिट्टी का गमला हमेशा ठंडक देता है और तुलसी की जड़ें जो ठंड होती हैं, तो हमारा प्लांट, वैसे तो सभी प्लांटों के लिए हमें मिट्टी के गमले देने चाहिए, नहीं दे पाते तो हम सीमेंट के प्लास्टिक के गमलों में लगा देते हैं, लेकिन तुलसी के पौधे को हमें मिट्टी का गमला दे देना चाहिए। वैसे तो आप तुलसी चौरा में भी बनवाते हैं, लोग तुलसी चौरा में भी लगाते हैं, लेकिन जिसके पास नहीं है, क्योंकि तुलसी चौरा भी 500-600 से इधर नहीं मिलते हैं, बहुत महंगे मिलते हैं फ्रेंड, तो नहीं हम ले पाते हैं ना, तो हम इसको सीमेंट के या फिर मिट्टी के गमले में इसको आसानी से लगा सकते हैं। तो बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लव माय गार्डन, लव माय फ्रेंड।